दुनिया के साथ मिलकर अपना लास्ट अटैक लॉन्च करता है क्योंकि रशिया की सप्लाईज खत्म हो रही थी और यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ जाता है। इस टाइम पे हर कोई एग्जॉस्ट था, फ्रेंच आर्मी में बगावत चलने लग रही थी, जर्मनी के सोल्जर भूख से मर रहे थे और रशिया की सप्लाईज खत्म हो चुकी थी। थक हर कोई चुका था, पर अभी भी इस वॉर का कोई भी क्लियर विनर नहीं था। अब सवाल ये था कि पहले हार मानेगा कौन। और इसी बीच रशिया के पेट्रोग्राड में स्ट्राइक्स और रॉयड शुरू होते हैं जो कि एक रेवोल्यूशन की शक्ल ले लेते हैं, जिसके बाद एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है और ये तसार को ओवरथ्रो करते हैं। पर ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, इस गवर्नमेंट को भी बोल्शेविक्स ओवरथ्रो कर देते हैं और इस रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन ऑफ बोल्शेविक्स कहा जाता है और रशिया इस इंस्टेंस के बाद वॉर से बाहर हो जाता है। ये जर्मनी के लिए एक अच्छी खबर होती है, पर इस युद्ध में कितनी ही अच्छी खबरें सही मायने में अच्छी थी ये तो आप देख ही चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस ने पूरे युद्ध में अलाइड पावर को वेपन सप्लाई करे और खूब पैसे कमाए और अब वो भी वॉर का पार्ट बनने को देख रहा था।